लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे प्रतिबद्धता पत्र का नाम दिया है, जिसे पटना स्थित पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव समेत पार्टी के बड़े नेताओं ने जारी किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सामाजिक न्याय की दिशा में मंजिल हासिल करेंगे। वहीं आरजेडी परिवार के लिए भी एक खुशी की खबर आ रही है। मामला क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। टिकट बंटवारे में भागीदारी नहीं मिलने के कारण बगावत पर उतारू आरजेडी अध्यक्ष लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के तेवर अब धीरे धीरे ढीले पड़ गए हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव देर रात ट्वीट करके परिवार में महाभारत का संकेत भी दे रहे थे। खबरों के अनुसार रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, मीडिया वाले पहुंच भी गए थे, लेकिन जब रावड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने सख्ती दिखाई तो तेज प्रताप को बैकफुट पर आना पड़ा। आखिरी वक्त में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। पिछले एक हफ्ते में यह तीसरा ऐसा मौका था जब मीडिया को बुलाकर तेज प्रताप खुद नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से उन्होंने लोकसभा की दो सीटों की मांग की थी। साथ ही सारण सीट से अपने ससुर चंद्रिका राय को प्रत्याशी बनाने के पार्टी के निर्णय के खिलाफ थे। जहानाबाद और शिवहर से वो अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारना चाहते थे। इसके लिए तेजस्वी से बात भी की गई थी। मामला नहीं बनता देख उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की। जहानाबाद से पहले ही आरजेडी ने सुरेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया था। बाकी बची शिवहर सीट को हासिल करने के लिए उन्होंने दबाव बनाना जारी रखा। पत्रकार फैसल अली को प्रत्याशी घोषित कर दिया तो तेज प्रताप ने ट्वीट के जरिए आर पार का संकेत दिया। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि जब नाश मनुज पर छाता है अपने विवेक मर जाता है। उन्होंने दो सीटों की मांग को पांडवों के 5 ग्राम की मांग से जोड़ा और लिखा, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उनके इस उद्गार को मीडिया में भाई तेजस्वी से जोड़कर देखा जाने लगा। इसी क्रम में आरजेडी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना से माना जाने लगा कि तेज प्रताप विस्फोट करने वाले हैं। सूचना है कि ऐन चुनाव के वक्त पार्टी और परिवार को नुकसान से बचाने के लिए राबड़ी देवी ने पहल की। तेजस्वी पहले ही साफ कर चुके थे कि तेज प्रताप के हथकंडों के आगे वो झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है। ऐसे में राबड़ी ने तेज प्रताप से सख्त लहजे में बात की और उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाज आने की हिदायत दी। आखिरकार तेज प्रताप के तेवर ढीले पड़ गए और उन्होंने यू टर्न ले लिया। तेज प्रताप यादव ने एक दिन पहले ही ट्वीट करके पार्टी पदाधिकारियों को चेताया था कि जो भी मेरे और मेरे परिवार के बीच में आएगा उसका सर्वनाश तय है। लालू परिवार की ओर से कई तरीके से तेज प्रताप पर दबाव बनाया जा रहा था कि मीडिया के सामने वो ना आए। अब तेज प्रताप यादव को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी और परिवार से झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।